गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स बीन लॉन्ग टाइम एंड दिस इज कुंवर वीरभद्र सिंह एंड यू आर वॉचिंग वीरभद्र वेपन क्लास एंड आउटडोर्स। तो अभी काफ़ी दिनों से मैं एक्टिव नहीं था यूट्यूब पे। मैं अक्सर यूट्यूब पे हॉबी और शौकिया तौर पे आता हूँ। इट इज़ आई एम नॉट ए फुल टाइम यूट्यूबर, यू कैन से दैट, बट एटलीस्ट वेन एवर आई वॉन्ट टू पुट समथिंग ऑन यूट्यूब आई ट्राई टू बी वेरी रीजनेबल। मैं चाहता हूँ कि लॉजिकल और रेशनल और ज़रूरत की चीज़ें ही यूट्यूब पे डालूँ। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एपिसोड्स आई डोंट डू यूट्यूब, कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालने हैं तो कुछ भी डालता रहूँ। दैट इज़ नॉट माई स्टाइल एंड आई प्रे टू गॉड दैट ये ऐसा ही हमेशा जो है मेरे साथ रहे। क्या है, क्या है? तो अभी चारों तरफ मैं न्यूज़ देख रहा था, वहाँ पे आप लोगों ने देखा सब जगह कि किस तरह से वायलेंस अगेंस्ट गर्ल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले भी होता होगा बट ड्यू टू रिवोल्यूशन इन सोशल मीडिया, बहुत तरह के मीडिया अप्रोचेस हो गए हैं, कुछ भी कहीं भी कुछ होता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। मेरी भी एक बेटी है, आपके घर में भी बेटी बहन और बेटी होंगी, बहन होंगी, बहुत ये सुन के अपने आप में एक डर सा लगता है कि कैसा माहौल होते जा रहा है, कैसी सोसाइटी हमारी होते जा रही है, और हम गवर्नमेंट के भरोसे ही बैठे नहीं रह सकते हैं कि गवर्नमेंट आएगी और हमारी हेल्प करेगी। मे बी इट्स टू लेट व्हेन गवर्नमेंट कम्स और व्हेन पुलिस कम्स टू यू एंड टू प्रोटेक्ट यू एंड टू हेल्प यू। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने आप को, इन सारी घटनाओं को, हमारी माता बहनें, इवन जो हम लोग भी कभी कभी ऐसे सरकमस्टांसेस में फंस जाते हैं जहाँ पे कुछ गुंडे गूंस हमें घेरने लगते हैं, पैसे छीनने की बातें होने लगती हैं, ये बिहार वगैरह में या हर जगह में इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं? आपको पता है कि इंडिया में लाइसेंसिंग, गन लाइसेंसिंग की कितनी पुअर पॉलिसीज़ है। मतलब यहाँ पे अगर हमें ज़रूरत है वेपन का, ये डिसाइड करेंगे हमारे DM साहब या हमारे जो भी ऑथराइज्ड अथॉरिटी हैं। जब तक वो हमारी ज़िंदगी जिएंगे नहीं, उन्हें पता नहीं चलता है कि हमें लाइसेंस की ज़रूरत है कि नहीं है। बट अथॉरिटी इज़ गिवन टू DM और DC और कमिश्नर टू इशू आवर लाइसेंस एज दे आर लिविंग आवर लाइफ। दे नो हाउ मच प्रॉब्लम वी हैव टू फेस और हाउ मच इन रिस्क, और वो एसेस करते हैं अपने भरोसे। तो मोस्टली उसको आप मान के चलिए कि ज़रूरत के समय पे आपको लाइसेंस तो होगी नहीं, ज़रूरतमंदों को लाइसेंस नहीं होती है, और किसी एक बंदे को आप देखोगे तो तीन चार लाइसेंसेस होते हैं, दो तीन लाइसेंस होते रहते हैं। तो इसको तो हम इस ऑप्शन को साइड में ही रख लेंगे। उसके अलावा मेरे पास बहुत समय पास लिमिटेड बचते हैं। मेरे हिसाब से पर्सनली जो मैं यूज़ करता हूँ, पेपर स्प्रे जो है बहुत ही अच्छा एक वेपन है, जो नॉन लीथल वेपन है बट बहुत इफ़ेक्टिव है। आपको एक ग्रुप ऑफ, अगर बहुत 5-6-7-8-10 लोग भी अगर आपको परेशान कर रहे हैं या आप पे अटैक कर रहे हैं या किसी तरह से आपको कर रहे हैं, तो आप मीनवाइल आप उनको 15-20-25 मिनट के लिए आप उनको अच्छे तरह से परेशान और उनको इनकैपेबल मतलब कर सकते हैं, आप उनको इनकैपेबल कर सकते हैं और आप अपनी जान को बचा सकते हैं। पेपर स्प्रे जो है इसको ख़रीदने के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मेरे पास है ये कोबरा का है, मैं कोबरा ही यूज़ करता हूँ और मैं काफ़ी मतलब 3-4 सालों से मेरे गाड़ी में भी एक आध रहती है, मेरे बैग में, बैकपैक में भी एक आध रहता है। ये बहुत इफ़ेक्टिव वेपन है। ये एक्चुअली मिर्ची का स्प्रे है लेकिन अच्छे तरह से पोटेंटाइज किया हुआ है, अच्छा मतलब पावरफुल है उसका, इसकी ये है कि ये इसका स्प्रे जो है 20 फीट तक जाता है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने कभी भी हमलावर हो आप इसको गिफ्ट कर सकते हैं, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को जो कॉलेज जाती हैं, ट्यूशन जाती हैं या जॉब पे जाती हैं, जो आते जाते कैब या किसी देर रात हो जाती है उनको, ये बहुत इफ़ेक्टिव वेपन है, यू कैन यूज़ इट। हाँ, आपको अगर मेट्रो में ट्रैवलिंग करते हो या फिर अगर आप एरोप्लेन वगैरह में कर सकते हो तो मुझे नहीं पता कि ये प्रेशराइज्ड कैन है तो आपको अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन इसका प्रयोग अगर आप देखते हैं कई जगह निहत्थे जो लड़कियां रहती हैं या कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं या कोई भी छोटी बच्चियां होती हैं, जहां पे 2-3 लोग मिलके उसको परेशान करते हैं या उसके साथ शारीरिक शोषण करने की कोशिश करते हैं, बलात्कार करने की कोशिश करते हैं, उस समय इसका प्रयोग करने पे बहुत ही अच्छा आपको उससे बचाव हो सकता है। करना कुछ नहीं है, बस इसका ये सेफ्टी है, जैसे हम लोग DO स्प्रे करते हैं उस तरह से करना है, और इसको ऐसे करते हैं और इसको सीधे स्प्रे कर देना है और इसको मजबूती से पकड़े रहना है। ये नहीं कि छीना झपटी में आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका लास्ट रिजॉर्ट है आपकी इज्जत को बचाने के लिए।
तो आप इसको स्प्रे कर सकते हैं 20 फीट तक इसका स्प्रे जाता है, और करीबन आप 10 या 15 सेकंड तक कंटिन्यूस स्प्रे कर सकते हो। इसको स्प्रे करने के बाद आप विश्वास कीजिए, मैंने इस्तेमाल किया है कई बार, रात वक्त में मिल जाते हैं लोग यहाँ पे छीनने वाले, या उस तरह से लोग मतलब उग्र भीड़ मिल जाती है कहीं कहीं मॉब टाइप के, तो ये आप विश्वास कीजिए वहाँ पे 20-25 मिनट तक सारे लोग आँखें नहीं खुल जाती, आँखें नहीं खुली रह सकती हैं, और सांस नहीं ले पाते हैं लोग, इतना तेज इरिटेशन होता है। तो बलात्कार का तो खैर मूड तो किसी का रह नहीं जाएगा, तो आप यूज़ करिए, जब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं करने जा रहा है, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, आपकी बहनों की, आपकी बेटियों की, आपके घर के कोई भी ऐसे लोग हैं जो कि हाई रिस्क पे हैं मोलेस्ट होने के, आप उनको दे सकते हैं, गिफ्ट करिए, ये अच्छी चीज़ है, और इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराइए इसको। ऐसे मैं कोबरा यूज़ करता हूँ, और भी बहुत सारे ब्रांड है, बट कोबरा पे मैंने ट्रस्ट किया हुआ है, मेरा यूज़ किया हुआ है। इसको आपको बस ऐसे करना है, और इसका स्प्रे देखिए, इसका स्प्रे कितने दूर तक जाता है, ये हमने मैंने सेफ्टी इसकी ऐसे सेफ्टी हो गया, और इसको पूरा एकदम अच्छे से आप दबाइए, देखिए पूरा एक ब्रस्ट। और आप विश्वास कीजिए, जब इसका ब्रस्ट लगता है ना, उसके बाद आदमी के सारे दिमाग का फितूर आधे घंटे के लिए गायब हो जाता है। आप उस समय में भाग सकते हैं, हट सकते हैं, और आप उसके बाद अपने पुलिस को भी, अपने लोकल पुलिस को भी बता सकते हैं कि क्या ज़रूरत है। हम लोग को भी देखिए यहाँ पर सरकना चालू हो जाएगा थोड़ी देर बाद, और बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे हटाए, और ये एक पफ लगने के बाद जवानी और गुंडों की सारे हौसले जो है ना वो पस्त हो जाती है। बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, आई रिकमेंड इट, और मैं सजेस्ट करता हूँ कि भारत जैसे देश में जहाँ पे आपकी ज़रूरत की चीज़ अधिकारियों के हाथ में होती है कि वो इसको डिसाइड करे, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी जिम्मेवारी अपने हाथ में रखिए, और एक पेपर स्प्रे तो सब में होना चाहिए, गाड़ी में होनी चाहिए, आपके वाइफ के, बेटी के, बहन के पर्स में होना चाहिए, ताकि ज़रूरत वो इस्तेमाल कर सके, अपनी सुरक्षा कर सके। और ये बहुत इफ़ेक्टिव है, इट इज़ एज इफ़ेक्टिव ये, और इस पर आपको ये जान, आपको ये नहीं सोचना है कि किसी को ज़्यादा चला गया जान चली जाएगी क्या, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसने मार, आपने मार दिए उसके मुंह पे, अगर वो बंद भी अगर अपना मुंह किए हुए है, और अगर उसके मुंह पे ही पड़ जाता है, इतना तेज इरिटेशन होता है कि आंखें खुली रहना बंद मुश्किल हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और इतना 20-25 मिनट तक ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है जिसको भी पड़ जाए। तो अभी डेमो हम करेंगे क्या, आप पे डेमो कर सकते हैं, हिम्मत कीजिए भाई, एक सोशल कोच के लिए आप डेमो कीजिए। हमारे मित्र मिंगू जी हैं यहाँ पे, यहाँ मैं इंट्रोड्यूस आपको कराना चाहूँगा, हमारे क्लोज फ्रेंड है, हमारे साथ ही रहते हैं, हेलो बोलिए। तो मिंगू जी आइए, थोड़ा सा आप पे डेमोस्ट्रेशन करने के लिए तैयार हैं, अपने पे सेक्रीफाइस करिएगा आप, और आप बताइए कैसा फील हो रहा है, क्या कर सकते हैं आप, कितनी देर तक इफेक्ट रहता है इसका, 10 मिनट तक बस, आइए हम देखते हैं मिंगू जी पे क्या होता है। आप समझ लीजिए कि मैं एक 16 साल की लड़की हूँ, और मिंकू जी मेरे कॉलेज के बाहर मुझे मोलेस्ट करने के लिए आए हुए हैं, आप इधर आइए, और ये काफ़ी दिनों से मुझे स्टॉकिंग कर रहे हैं, और मैं बार बार मना कर रहा हूँ, और मान लीजिए कि मिंकू जी हैं, और मिंकू जी के साथ अगर हैं, तो मिंकू जी आप कुछ कहिए, जैसे आप लड़कियों को जिस छेड़ते हैं लोग क्या दीजिए, नहीं छोड़ो मुझे, और ये मिंकू जी पे मैंने स्प्रे कर दिया ऐसे। अब मिंकू जी आप अपना बताइए कि आप मिंकू जी क्या फील कर रहे हैं आप, ये कॉज के लिए है, तालियां बजनी चाहिए मिंकू जी के लिए, हमारे मित्र है। मिंकू जी कैसा फील हो रहा है, क्या अभी भी मन कर रहा है आपको लड़कियों को छेड़ने का? नहीं अब तो नहीं कर रहा है। क्या मन कर रहा है, और क्या मन कर रहा है आपका? घर वापस जाने का मन कर रहा है। इनका 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 जो मन है वो वापस घर जाने का है। अभी इनको हम लोग ठीक करेंगे, इसका एक एंटीडोट भी होता है जो मैं अभी अब नहीं बताऊंगा, चूंकि मालूम चला कि वही चुंगले जो है वो भी यूज़ करने लगेंगे। तो आप ये देखिए कि मिंकू जी की हालत क्या है, एक छोटा सा पफ था मुश्किल से 1 सेकंड का, और मिंकू जी की सारी जो इनका जोश था इनका ख़त्म हो गया है। ये सब चलता है दोस्तों, ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सरकार आपकी मदद करने नहीं आएगी, आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी विजिलेंट, आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी टाइमिंग, अपने लोकेशन और अपने बाकी सब चीज़ों के चलते। इस पेपर स्प्रे इज़ अ वेरी गुड अल्टरनेटिव टू कीप योर सेल्फ, एटलीस्ट ये आपको एक लीवरेज देता है, और ये ऐसा है ना कि सेलेक्टिव नहीं है, एक केन भरा हुआ है एक ऐसे डिटरेंट से जो कि किसी को भी 10-15 मिनट तक आपको वो मतलब परेशान बहुत ज़्यादा हद तक कर देगा, आपके दिमाग का जो रेप का भूत हो या छेड़ने का भूत हो ना, वो सारा कुछ आपके गांड में, वो सारा कुछ जो है वो वापस से आप समझ लो कि कुछ देर के लिए उतार ही देगा।
तो यही था, अभी मैं एडिट नहीं करूँगा क्योंकि मैं मुझे गुस्सा है, तो अगर मैंने एक दो शब्द अगर गलत भी इस्तेमाल किया होगा तो अभी आप झेलो इसको, क्योंकि मैं मुझे बहुत तकलीफ है, क्योंकि आजकल जो लड़कियों के प्रति जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, छोटी लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, मर्डर कर दिया जा रहा है, लड़कियों को सरेआम तंग किया जा रहा है, सड़कों छेड़खानी किया जा रहा है, विरोध करने पे उन्हें गोलियां मार दी जा रही हैं, चाकू से गोद दिए जा रहे हैं। तो वैसे चूतियों का ये बहुत अच्छा इलाज है, आप इसको करिए, और इसे हर लड़की के पर्स में ये होना चाहिए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि शायद इससे, इस वीडियो से किसी एक लड़की को कभी किसी मुसीबत में आराम मिले, ताकि ये वीडियो बनाना मेरे लिए सफल रहे, मिंकू जी का ये स्प्रे लेना ये सफल रहे, ये डेमोस्ट्रेशन सफल रहे। और तब तक के लिए फिर मिलेंगे किसी अच्छे एपिसोड में और किसी नए टॉपिक के साथ। अभी सेल्फ डिफेंस के टॉपिक में ये पेपर स्प्रे का था, ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है और यू शुड गेट इट। इसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है और आप इसको यूज़ करिए, और आप इसको बेझिझक अगर आपको ज़रूरत पड़े, अगर आपको लगता हो कि 60% भी अगर आपको चांस हो कि आप यू आर गोइंग टू बी मोलेस्टेड और आपके आप पे कोई अटैक होने वाला है, आप इसको बिंदास होकर यूज़ करिए, इससे किसी की जान नहीं जाएगी। हाँ, वो इतना परेशान जरूर हो जाएगा कि आपको एक टाइम मिल जाएगा, विंडो मिल जाएगा कि आप वहाँ से निकल सकें। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं और किसी और वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे। तो अपने दोस्त वीरभद्र को इजाज़त दीजिए, थैंक यू एंड सी यू अगेन, बी सेफ, स्टे सेफ़।